नुपुर शर्मा आज का वो नाम है जिसको हर एक हिंदुस्तानी जानता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, नुपुर शर्मा का नाम हर कोई आज जानता है, क्योंकि इस औरत ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से हर एक मुसलमान को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, और हर एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत बाकी है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो। मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमानों को पहुँची, क्योंकि मुसलमान अपने नबी के शान में ज़रा सी भी कोई गलत बात नहीं सुन सकता, और मुसलमान जैसा भी हो वो अपने नबी पर जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जैसा कि रांची में एक बच्चा अपने नबी के नाम पर शहीद हो गया, और उसकी माँ को उस पर फ़ख्र है और हर एक मुसलमान को उस पर फ़ख्र है। मगर इसी बीच कई जगह से ये सुनने को आया कि जो नुपुर शर्मा की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा, इतना इतना इनाम मिलेगा, जिसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई, ऐलान करने वाले पर कार्रवाई भी की गई। तो इस तरह का ऐलान किसी भी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। अगर आप में जज्बा है तो आप खुद जाकर करें। इस तरह का ऐलान करके किसी भी मुसलमान को नहीं उकसाना चाहिए। कोई भी मुसलमान अपने नबी से बिना किसी लालच के मोहब्बत करता है, और इस तरह का कोई ऐलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता और इस तरह का ऐलान करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ इसमें ही रहनी चाहिए कि नुपुर शर्मा को हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जाए बिना किसी हिंसा किए हुए। हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, हम प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ भी ना हो, और जो गुनहगार है जिसने हमारे नबी की शान में गलत बात कही है उसको सज़ा ज़रूर दिलाए, मगर हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा दिलाए। हमारा काम है उसे जेल तक पहुंचाना, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होगी वो अदालत तय करेगी। हमारा ये काम है कि हम जज्बात के साथ साथ होश से भी काम लें, और अल्लाह अपने महबूब का चर्चा करता है और करता रहेगा। किसी के अंदर इतना दम नहीं जो हमारे नबी की शान को घटा सके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि नुपुर शर्मा पर लानत हो, लानत हो, लानत हो।